यूएसए यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि अगर यूएसए का वीजा लग जाए, अगर यूएसए का वीजा लग जाए, लगा हुआ हो, तो कोई और कंट्री वीजा देने से मना नहीं करती है। ठीक है, अगर कोई यूएसए गया, जाकर टाइम से वापस भी आ गया, ठीक है, तो आपको कभी लाइफ में दोबारा वीजा लेने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हों को मैंने ये बात बताई है, उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, कईयों ने इंप्लीमेंट किया, कईयों ने नहीं भी की, कि इलीगल यूएसए एंट्री या यूएसए डॉन्की करने से कहीं ज्यादा आसान है यूएसए का लीगल वीजा ले लेना, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए, जिसके लिए हमारे को पासपोर्ट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई आपने ये तो जरूर कह दिया कि कुछ भी नहीं चाहिए है, बट रियलिटी में होता कैसे है, होगा क्या, कैसे करना होगा, ठीक है, तो वो सब मैं आज आपको सिखा रहा हूं, वो सब हम क्या कहते हैं करेंगे। और जो आपके माइंड में जो एक परसेप्शन है इस चीज को लेके कि यूएसए का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दूर हो जाएगी तो सीख कर। ठीक है, यूएसए का वीजा जरूर मिलेगा, जो कोई भी यूएसए जाना चाह रहा है, जो कोई भी, अगर वो आप खुद हैं तो आप भी इस बात को याद रखिए कि आपने यूएसए जाना है और जाकर वापस आना, वहां पर रुकना नहीं है, उसके बाद दोबारा जाना। अब जब आप दोबारा जाओगे उसके बाद आप जो कुछ मर्जी करो, उससे हमें क्या लेना देना, उससे तो लेना देना नहीं है ना। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस, पहला रूल यही है, पहला रूल यही है कि जाना है और वापस आना है अगर कोई भी यूएसए में सक्सेसफुल होना चाहता है तो। ठीक है, यूएसए में जाके आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, जाइए, जरूर जाइए, जाकर वापस आइए। ठीक है, वीजा मिल जाएगा, बहुत ही आराम से वीजा मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, जब कोई यूएसए का वीजा लेने लगता है तो वो ये आती है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, दैट यू आर नॉट एबल टू गेट द अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर हम टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं तो अपॉइंटमेंट 6 महीने आगे का या 1 साल आगे का मिल रहा है, और कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो 15 दिन आगे का अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं। तो जो जैसे जैसे शैनेगन के अंदर भी ऐसा होता है, जब शैनेगन के अंदर या माल्टा का आप लोगों ने सुना होगा, जब माल्टा का वर्क परमिट निकला था तो माल्टा का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, उस अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट के लिए ही लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए, पर शैनेगन का या माल्टा का या और भी कई ऐसी कंट्रीज का जब अपॉइंटमेंट नहीं होता, तो जब इन्हों के मार्केट के अंदर कुछ एजेंट बोल रहे होते हैं कि हाँ जी हम लगवा देंगे, आप पैसे दीजिए, तो 90% टाइम सर, वो, आपकी आवाज कम आ रही है एक्चुअली बहुत। हाँ मेरी आवाज कम आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है, बाकी सब कुछ ठीक आ रही है, परफेक्ट। चलो मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, लेट मी टर्न ऑफ द एयर कंडीशन। ठीक है ना, एयर कंडीशन बंद कर देता हूँ, हो सकता है और जोर से आ जाए, 1 सेकेंड दे दीजिए मेरे को। तो बारिश हो रही है, आप टू नॉट प्लेस में। तो बट यूएसए गवर्नमेंट ने जो अपने पुराने एजेंट्स हैं उनको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट जल्दी लेने का। ठीक है,
तो यूएसए का अपॉइंटमेंट जल्दी का लीगली मिलता है, ठीक है, विजिटर वीजा की मैं बात करूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वीजा के अपॉइंटमेंट की। स्टूडेंट वीजा का अपॉइंटमेंट तो वैसे ही आपको एक दिन आगे का मिलता है, एक दिन दो दिन नहीं तो 12 दिन 15 दिन का आपको स्टूडेंट वीजा का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर यूएसए का कोई आपके पास स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट लगवा रहा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा अपना स्टूडेंट वीजा लगवा रहा है, तो साथ में जो हम फैमिली फाइल बनाएंगे उन्हों का साथ में लग जाएगा, ठीक है, तो उन्हों को भी वेट नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर किसी के भी पास ऐसा कोई रीजन है कि उनके कुछ रिलेटिव वहां पर रहते हैं तो उनके बेसिस पर भी, उनके इनविटेशन के बेसिस पर, वो इनविटेशन शादी का है, बर्थडे का, इन सब का नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पर भी हम अपॉइंटमेंट को प्रीपोन कर सकते होते हैं, ठीक है। जब हम अपॉइंटमेंट में पहुंचेंगे तो हम, मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बता दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे आप प्रीपोन कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं उसकी, बट अदरवाइज गेटिंग द अपॉइंटमेंट इज नॉट अ बिग डील। मार्केट में बड़ा ओपन प्राइस है इसका, 10,000 या 20,000। अगर आप ठीक इंसान के पास पहुंच जाते हैं तो बड़े आराम से 10,000 रुपीज के अंदर भी आपको जल्दी का अपॉइंटमेंट दिलवा देता है, ठीक है, जो कि लोग बड़ा विलिंगली पे भी करते हैं और कुछ ज्यादा है भी नहीं। अगर आपका 7 महीने 9 महीने का वेट टाइम कम हो जाता है तो 10,000 रुपीज डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट, दैट इज वन थिंग, राइट। सो अपॉइंटमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यूएसए का हम सीखे ही क्यों, या हम करें ही क्यों, हम इसकी मार्केटिंग क्यों करें, किसी से बात ही क्यों करें, तो आप इस बात को समझिए कि यूएसए का वीजा मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, अपॉइंटमेंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है असैलम लेने की। जो कोई भी डोंकी करके जाता है, ठीक है, जो आप लोग समझते हैं इलीगल एंट्री जो करता है, वो भी जब बॉर्डर कंट्रोल पर पहुंचता है यूएसए के, तो वहां पर जाकर असैलम मांगता है, लीगली असैलम मांगता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर विजिटर वीजा लेके जा रहा है, कोई स्टूडेंट वीजा लेकर जा रहा है, या किसी भी तरीके से कोई भी यूएसए पहुंच रहा है, तो उसका भी वही प्रोसेस है असैलम लेने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी ने विजिटर वीजा लिया है तो उसको असैलम नहीं मिले। असैलम मिलने के जो कारण है वो सबके लिए ही सेम रहेंगे, जो क्राइटेरिया है वो वही का वही रहेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि असैलम वाली मार्केट पे आप थोड़ा कम ध्यान दें, आप विजिटर वीजा वाली और स्टूडेंट वीजा वाली मार्केट पर ज्यादा ध्यान, ठीक है। फिर आप ये बात वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, पर वो भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। स्टूडेंट वीजा के बेसिस पे भी मिलता है, वो बिना स्टूडेंट वीजा के बेसिस पे भी मिलता है, और इसी को हम ब्लैंकेट वीजा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो फिर कभी हम बात करेंगे, या हो सकता है ना भी करें, डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक्स एंड योर कोर्स। अब बात आ जाती है कि हमने दो चीजें एड्रेस की। पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। फंड्स कितने चाहिए? फंड्स चाहिए हैं जीरो, ठीक है, फिजिकली अकाउंट के अंदर जीरो, मेंटली इनसाइड योर हार्ट 20 लाख। सिर्फ उस इंसान को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके पास पैसे हैं। जो कोई भी यूएसए का वीजा ले रहा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज,
वो बोले कि हां उसके पास पैसे हैं, उसके अकाउंट के अंदर पैसे हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। बट होता यही है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वो बोलती ही नहीं, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल कोई गांव का इंसान शरीफ सा, जिसने कभी महीने के अंदर ही 20,000 से ज्यादा नहीं कमाए, आप उसको कैसे बिलीव करवाओगे कि 20 लाख रुपए उसके पास हैं? अगर कोई एक एकेडमी बनाकर, ठीक है, हो सकता है कि ये चीजें आप लोगों को पढ़ाना अलाउड भी ना हो, अगर कोई एक एकेडमी बना के पूरी ट्रेनिंग दे मेंटली कि हाँ जी यूएसए का वीजा, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ऐसे लगेगा तो सक्सेस रेट कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। बट जो एजेंट किसी के लिए भी ये प्रोसेस करता है, वो एजेंट इतना टाइम लगाता ही नहीं, क्योंकि उस एजेंट को जो अप्रोप्रिएट उसके चार्जेस मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं, राइट। और जिसको मिलते हैं वो इलीगल तरीके से जाने लग जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज किसी ने परसीव कर ली, ठीक है, कि हाँ जी मेरे पास पैसे हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा यूएसए का वीजा लगना ही लगना है, और फिर मैं चाहे यूएसए में रहूं या इंडिया में रहूं, मेरे ये कोई दिक्कत नहीं है, दैट पर्सन विल गेट यूएसए। फिर आपके पास जो हर्डल आती है, एक हमने बात की डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फंड्स इना वे चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको समझ में आ ही चुका है। तीसरा अपॉइंटमेंट को भी हमने समझा, और रियलिटी में देखेंगे हम वहां तक जाएं तो जाना चाहें तो जा सकते हैं। और चौथा इंटरव्यू है ना। अब इंटरव्यू अगर आप खुद एजेंट हैं, ठीक है, अगर आप एजेंट हैं, अब तक मेरे कई स्टूडेंट हैं और ज्यादातर आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, है ना, एंड यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आप लोगों के पास किसी तरह से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ऐसी हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ वीजा, और आपसे जब कोई बात करता है आप फोन रख देते हो या वो चला जाता है, तो आप अपने माइंड में अपने आप को बताते हो कि हाँ इसने कभी ऑफिस तो आना, वो चाहे जो कुछ मर्जी बोल, या बोलते हो कि हाँ ये क्लाइंट ठीक है, ऐसे क्लाइंट होने चाहिए, आप खुद उसको एक ब्रैकेट में डालते हो, जबकि आपने कोई साइकोमेट्रिक ट्रेनिंग नहीं ली है, नहीं लिया ना आपने, पर जो इंटरव्यू लेगा यूएसए का उसने ली हुई। कहते हैं ना कि इमिग्रेशन पर जो बैठे हुए हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन है, पुलिस से है, तो पूरी की पूरी पुलिस सारी की सारी फौज क्यों नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है। तो कुछ उनकी ऐसी ट्रेनिंग्स होती होंगी ना कि कुछ सिलेक्टेड लोग ही आईबी में जा पाते हैं, हर एक कोई तो आईबी में नहीं जा पाता, ठीक है। उसी ढंग से इन्होंने भी हजारों लोगों को चेक किया, समझा, उसके बाद उनको किसी ऐसी कंट्री में, ऐसे थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में भेजा जहां पर 80% लोग यूएस से आके वापस नहीं जाना चाहते। आप सोचिए कि उनकी कितनी ट्रेनिंग हो रखी होगी इन लोगों को समझने की कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब आपका सवाल आता है कि अपॉइंटमेंट जब मिल जाएगा, हम चले जाएंगे, इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाए, What are they going to ask? 80% चीजें वही पूछी जाएंगी जो यूएसए वीजा फॉर्म के अंदर पूछी जा रही है। तो जब हम यूएसए वीजा फॉर्म भरेंगे तो हम ऐसा मानकर भरेंगे कि जैसे कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई फंड्स नहीं है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और जिसकी इंटेंशन वापस आने की है ही नहीं, ठीक है, ये समझकर हम उसको भरेंगे। और जब हम भरेंगे तो उन सवालों के जवाब भरेंगे हम चाहे जो कुछ भी, पर उन सवालों के जवाब क्या होने चाहिए वो मैं आपको बताता चलूं, ठीक है।
अगर जब हम पहली बार यूएसए का वीजा फॉर्म भरते हैं तो यूएसए ही कहता है कि आपको 75 मिनट लगेंगे इसको, 75 मिनट, ठीक है, जबकि हमको भरने के लिए वो कोई लिमिट नहीं है टाइम की। आपने वीजा फॉर्म आज स्टार्ट किया, आपने सिर्फ एक पेज भरा, उसको आप सेव कर लो, छोड़ दो, बंद कर दो अपने कंप्यूटर को, अगले दिन दोबारा खोल लो और फिर वहीं से स्टार्ट करो, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। पर जनरली जब हम पहली बार भरते हैं तो 75 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको समझाए बगैर आपके सामने फॉर्म भरूं तो मैं 15 या 20 मिनट में मैंने भरा भी हुआ है इस दो क्लासेस के अंदर, ठीक है। कई बार जब हम सेव नहीं कर रहे होते, एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, और किया हुआ हमने कई बार स्टार्ट, ठीक है, करते भी। आपको समझाते हुए भरने में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, हमारे को सिर्फ एक क्लास लगे, हो सकता है हमारे को तीन क्लास लगे, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बस सवाल पूछते रहिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, इसके अलावा क्या होता है? तो पहला पार्ट होता है कि अपने क्लाइंट को समझना और उसको समझाना, अपने चार्जेस बताना, आपको कितने चार्ज लेने चाहिए। जसविंदर आप ठीक से बैठिए, यू नॉट विजिबल प्रॉपर, ठीक है, ठीक से प्रॉपर ले, और नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए टेबल चेयर का इस्तेमाल करें, ठीक है। आपके चार्जेस कितने होने चाहिए? इस इंडस्ट्री के अंदर यूएसए का वीजा लगवा के देने वाले लोग अवेलेबल हैं जो सिर्फ 3,000 रुपए या 2,000 रुपए, सिर्फ कनॉट प्लेस के अंदर ऐसी एजेंसीज अवेलेबल है, उनका चार्ज यही है कि सर 2,000 या 3,000 रुपए, ठीक है। उसमें वो 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में क्या करेंगे? वो सिर्फ फॉर्म भर देंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जो क्लाइंट रियलिटी बताएगा वो रियलिटी डालेंगे और कुछ भी नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने सिर्फ 20 मिनट लगाए और उसके 2,000-3,000 रुपए ले लिए, उसके बाद जो कुछ मर्जी हो। उसके बाद अगर दोबारा करना पड़ता है, कोई एडिट करना पड़ता है, तो उसके एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, या एक आध एडिट के कोई चार्जेस नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर यूएसए का जो फॉर्म है उसको जब हम करेंगे, उसके बाद रिट्रीव करने की ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कोई वीएफएस फोन जाता है, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं अपॉइंटमेंट के, एक वीएफएस होता है और एक एम्बेसी होता है, दोनों पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। एम्बेसी तो कभी कुछ गलत नहीं करती, अगर आप एम्बेसी पहुंचोगे तो वहां पर कुछ गलत नहीं होना है, जो गलत अगर होगा तो वो वीएफएस में होगा। अगर कोई वीएफएस फोन जाता है, ठीक है, और उसके फॉर्म के अंदर कोई ऐसी बड़ी एक कॉमन मिस्टेक होती है, सर नेम और नेम वाली, अगर उसको रिट्रीव करके हमें ठीक करना होता है तो वहां पर 1,000 रुपए ले लेते हैं बाहर, वीएफएस के बाहर, और वीएफएस वाले इस चीज के 3,000 रुपए ले लेते हैं, सिर्फ रिट्रीव करके थोड़ा सा एडिट करने, ठीक है, सिर्फ नाम को एडिट करने के, सरनेम और फर्स्ट नेम के अंदर जो गलती हो रखी है उसको एडिट करने की, क्योंकि अगर वो गलती होगी तो आप अंदर ही नहीं जा सकते, वो पासपोर्ट से मैच नहीं होगा तो आप अंदर नहीं जाओगे, तो वो गलती हम कवर कर लेंगे, और रिट्रीव कैसे करना है वो भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो फॉर्म को पहले हम भरते हैं, भरने के बाद हम उसको सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक लॉगिन क्रिएट करते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई लॉगिन हमें क्रिएट नहीं करना होता, फॉर्म सबमिट हो जाता है, एक एप्लीकेशन नंबर हमारे को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं, फीस पे करते हैं, जो कि DS-160 इसका नाम है, पहले $160 हुआ करती थी, जो कि अब $185 है, नाउ इट इज $185, राइट, कन्वर्जन रेट ये खुद देते हैं, कन्वर्जन रेट आपको यूएस एम्बेसी खुद देगी, जब हम उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो हम उसको देख पाएंगे। अपॉइंटमेंट डेट आप बिना फीस पे किए भी अप्रॉक्सीमेट
कितने दिन के आगे की अपॉइंटमेंट मिल रही है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद फिर हमारा अपॉइंटमेंट आता है। अपॉइंटमेंट में हम पहले बायोमेट्रिक देते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू जब देते हैं उसी वक्त रिजल्ट आता है, जिसको वीजा मिल जाएगा उसका पासपोर्ट वो रख लेंगे, जिसका उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उसको पासपोर्ट वापस दे देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई ये कहता है कि हाँ जी आप पैसे दे दीजिए, हम आपका किसी ऐसे काउंसलर से इंटरव्यू करवाएंगे कि जो हमारे को जानता है, ठीक है, तो इसके चांसेस बहुत कम, बहुत ही कम। ठीक है, ज्यादातर चांस यही होगा कि जो भी ये बोल रहा है वो सिर्फ आपसे पैसे ले लेगा। बाय चांस आपको वीजा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो थोड़े बहुत पैसे काट कर आपको पैसे वापस दे देगा। तो एक तरह से वो लॉटरी है। ठीक है, क्योंकि अंदर जाने के बाद किस काउंसलर, वहां पर 40 काउंसलर है, ठीक है, किस काउंसलर की लाइन में खड़ा किया जाए ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, कौन से बैच का आपको नंबर मिले, कौन आपको कहां बिठा दे, इस बात को वो हर रोज शक्ल करते हैं। ठीक है, हाँ, कोई यूएस एम्बेसी में अंदर का इंसान आपको बोले कि नहीं हाँ मैं लूंगा तो बात अलग है। जब हम पर्टिकुलर लैंग्वेज फिक्स करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम जो इंटरव्यू देंगे वो हम हिंदी में देंगे या हम मराठी में देंगे या बंगाली में देंगे, तो नंबर ऑफ काउंसलर्स कम हो जाते हैं। और अगर कोई लोकल लैंग्वेज के अंदर इंटरव्यू दे रहा, दादी का अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। हाँ जी सर, हाय सर, राधिका, हु गेव यू दैट मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड? ओके, हैव यू टेकन द एडमिशन? नहीं सर, अभी मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए ऑन किया है और आपको, आपके साथ बात भी करनी थी। तो ऐसा है कि जैसे कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, हाँ, रियली सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू इन द क्लास। सर मुझे 5-10 मिनट्स का डेमो दे दो ना। आई एम रियली सॉरी, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, ठीक है सर, ये क्लास खत्म हो जाती है तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप मुझे 8:15 बजे कॉल कीजिएगा, 8 बजे क्लास खत्म होने का टाइम है, हो सकता है क्लास लंबी हो जाए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू, बाय बाय। I don't know how she found our password. चलो जो भी है, सो वंस वी हैव दी, अगर हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पिक की, इफ वी हैव पिक्ड अप हिंदी या मराठी या बंगाली लोकल, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, राइट? अगर वो इंडियन ओरिजिन से है तो इंटरव्यू और मुश्किल ही होगा, आसान नहीं। ये भी मैं आपको बताऊं, आपको भी ये बात सोचिए कि दे आर दी एम्प्लॉयज ऑफ यूएस एम्बेसी, राइट? एंड इफ दे मेक अ मिस्टेक, जो काउंसलर भी जिसको भी वीजा दे रहा है, जो भी काउंसलर है जिसको भी वो वीजा दे रहा है, उसका रिकॉर्ड सालों तक मेंटेन रहेगा कि हाँ ये वाला पासपोर्ट इस काउंसलर के फाइल से निकला, इसके अंदर निकला। ठीक है, यहां तक कि जब हम किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कौन से इमिग्रेशन काउंटर से हमारे पासपोर्ट को पास किया गया, उसका रिकॉर्ड भी कम से कम 3 साल तक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का इंडिया के अंदर ज्यादा ऐसे लोगों को वीजा दे देता है जो वापस नहीं आते हैं, तो उसकी प्रमोशन पर, उसकी ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
फॉर श्योर फर्क पड़े, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट, राइट। तो इसीलिए इन लोगों को बायस ना कहा जाए, इनको अपनी ग्रोथ के अंदर दिक्कत ना आए, तो उल्टा ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर इंडियन ओरिजिन है देन दे अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द इंडियन मोर नाइजली। ये लोग हमारे फेशियल स्कोर, हमारे कपड़ों को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को और ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हैं और एनालाइज भी कर लेते हैं, राइट। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका वीजा नहीं मिलने वाला है, या अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपने हिंदी में इंटरव्यू नहीं देना, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज के अंदर इंटरव्यू दीजिए। जब हमने पहले ही परसीव कर लिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू कम बैक, वापस तो आना ही आना, तो वीजा तो वैसे भी मिलना ही मिलना। और वो जानना क्या चाहते हैं, वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आप वापस आओगे या नहीं। That is the only thing they want to understand and analyze. That this applicant, would that applicant come back or not? अगर उन्हें लगता है कि ये वापस नहीं आएगा तो वो वीजा नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये genuine traveler है, ये वापस आएगा, तो वीजा जरूर मिलेगा। अगर किसी के रिश्तेदार पहले से वहां पर हैं, वो चाहे ग्रीन कार्ड होल्डर हो, चाहे पीआर होल्डर, एक ही बात है, या आप उन्हें सिटीजन बोले, जो कुछ भी है, ठीक है, सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर में फर्क होता है, जो भी है उनका स्टेटस, अगर उनका स्टेटस और उनकी रेपुटेशन ठीक है तो वीजा मिलना ही मिलता, ठीक है, चाहे उन्होंने इन्विटेशन दिया है या नहीं। यहां पर रिश्तेदार का मतलब है ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो वीजा जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दे कैन ट्रैक समवन। जब एक इंसान जिसका कोई रिश्तेदारी नहीं, वो यूएसए में एंटर होगा और एंटर होने के बाद खुदा ही जाने कहां जाएगा, क्योंकि कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। यूएसए इज अ बिग कंट्री एंड हैज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, इनों के लिए उसको खोजना, ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल। बट अगर वो कह रहा है कि ये देखो ये मेरा ब्लड रिलेशन है और देखिए ये पीआर होल्डर है, तो जो पहले से वहां पर पीआर होल्डर है, उसका एड्रेस है, वो नहीं चाहेगा कि उसका रिश्तेदार, उसका ब्लड रिलेशन जो है कुछ गलत करे। इसीलिए इनके लिए उनको वीजा देना आसान, कोई रिस्क नहीं है ना, तो राइट। सो इफ यू गेट अ कैंडिडेट जिसका कोई ठीक रिलेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन एजेंट्स की ज्यादा एप्लीकेशन हो रही होती हैं वो और एक कम्युनिटी बनाकर चल रहे होते हैं, तो उनों के लिए ये वीजास लगाने आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। कोई सवाल हमको पूछिए प्लीज। पूरे बोलो रवनीत, बोलो क्या सवाल। सर जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगते हैं तो फिर हम ये जो रिलेशनशिप है इसे प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब जो कोई इनविटेशन दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि अरुण जेटली साहब मेरे मामा जी थे, अब तो रहे नहीं है ना, अगर मैं बोलता हूँ आप मान लोगे? अगर अरुण जेटली साहब मेरे मामा जी होते तो मैं टूरिज्म स्कूल में बैठ के ना पढ़ा रहा होता, साथ में मॉडर्न स्कूल में वहां पर डायरेक्टर बन के बैठा होता, है ना। तो आप मानते नहीं इस बात को, ठीक है। मेरे रिलेटिव हैं, ठीक है, जिनके मामा हैं, मामा मतलब अरुण जेटली जी के भांजे हैं, ठीक है, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, उनकी शक्ल मिलती है बिल्कुल शक्ल मिलती है, ठीक है। अगर वो गए अरे हाँ मुझे लग रहा था अरुण जेटली साहब ही गड़े हम राइट। तो अगर आप डिटेल भर रहे हो, ठीक है, और फिर आप बोल भी रहे हो, तो वो उसको पहली बात तो मैच करेंगे। और दूसरा, जब आप कह रहे हो कि आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है,
आपने एक उनका पीआर नंबर दिया या उनका सिटीजनशिप नंबर आप दोगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर आप दोगे, जो कोई भी वीजा लगवा रहा है वो फैमिली इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, उन्होंने भी अपने ब्लड रिलेशन की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, वो उनके यूएस के पोर्टल पर अवेलेबल है, ठीक है? सो दैट इज समथिंग दे कैन क्रॉस वेरीफाई एनी टाइम। अगर वो चाहें तो कह सकते हैं कि ठीक है, और हमने ऐसा होते हुआ देखा है, कई फौजियों का तो भूतों का देखा है, ठीक है, कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हो, आपको अचानक वीजा चाहिए क्योंकि आपकी पोस्टिंग हो गई है, वारंट मिलता है ठीक है जाने के लिए, तो अगर वो वारंट मिला इनके पास और वो वहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, पर वो इनों के पास नहीं आया है फ्रॉम द कमांडर, ठीक है, जिसने भेजना था, या फिर फॉरेन अफेयर से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो उन्हें कहते हैं भाई आप वेट कीजिए, आप 20 मिनट वेट कीजिए, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कोई कह देगा हाँ ठीक है या कॉपी भेज देगा, पहले तो फैक्स हुआ करता था, ठीक है, तब ईमेल इतनी कॉमन नहीं होती, तो फैक्स आ जाता था, वीजा मिल जाता था। अगर इन्हें डाउट होगा तो ये भी कह सकते हैं, 10 एक 8 बजे का स्लॉट है, एक 10 बजे का स्लॉट है, एक 12 बजे का स्लॉट है, ये 3 स्लॉट है, ठीक है, पर 2 बजे भी स्लॉट है, 4 बजे भी स्लॉट, और पूरे 24 घंटे काम करता है, 365 दिन वीजा लगता है। ये भी मैं आपको बता दूं, हर एक एम्बेसी इज कैपेबल टू गिव वीजा 365 डेज, 24 आवर्स, ठीक है, और ऐसा होता है, मैं देखा होता है, ठीक है, तो अगर इन लोगों को कुछ भी डाउट लगता है तो ये कह सकते हैं कि ठीक है आप दोपहर के बाद दोबारा से आइएगा, कुछ डॉक्यूमेंट भी देंगे, कोई लेटर नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे कि हाँ आप ये बोलिएगा गार्ड को, आपको बुलाया, ठीक है, आपका नाम सिर्फ बताइएगा, आपको अंदर, क्योंकि ये गार्ड को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने इन 3 लोगों को आने के लिए बोला, जो कोई भी दोपहर को 2 बजे वापस आएगा वो बताएगा हाँ जी मेरा नाम मयंक है, मुझे बुलाया, वो देखेंगे लिस्ट में, हाँ जी बोलता है, बाकी कोई दूसरा चाहे रोता रहे, कोई जो मर्जी कहे कि नहीं जी मेरा तो ये मेरा तो वो अंदर नहीं आएगा, ठीक है, सर, ठीक जैसे आपने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने नहीं चाहिए, दिखाने नहीं होते, है ना, और दूसरा सेकंड उसका कोई रिलेटिव भी वहां पे नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर वो क्या देखते हैं और कैसे इंटरव्यू होती है, वो सारा बता हुआ से बोलिएगा, आप समझा नहीं। सर। जैसे आपने कहा कि सिर्फ उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, है ना, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं चाहिए, है ना, और उसके भी यहाँ पे मान लो उसका कोई रिलेटिव भी नहीं वहां पे, तो फिर उसको वीजा कैसे मिल जाता है? देखो बैंक बैलेंस अगर नहीं है तो भी वीजा मिल जाता है, ठीक है, बट आइडियली तो अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक बिल्कुल है, और होते भी हैं, जो कोई भी यूएसए का वीजा लेने ले रहा है उसको मालूम है कि वो टिकट भी लेगा, वहां जाके रहेगा भी सही, 5-6 लाख तो उन सबके पास है, 50 लाख, 5 लाख क्या, 50-50 लाख है, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए तो वो ढूंढते फिरते हैं अपने गांव में कि हाँ कोई 30 लाख ले ले गारंटी दे दे, ठीक है, तो पैसे तो इनके पास है अकाउंट में चाहे हैं या नहीं, इसीलिए इन लोगों के लिए इस बात को परसीव करना बड़ा आसान है, ठीक है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो यूएस एम्बेसी पूछती है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी फैमिली इनकम, ठीक है, पर वो कोई बैंक स्टेटमेंट लगाने के लिए नहीं कहते हैं, ना ही बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं और ना ही कोई पैन कार्ड लेते हैं, पहले लिया करते, पहले पैन कार्ड नंबर लिया करते थे, तो हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि पैन कार्ड नंबर ले रहे हैं, यूएस एम्बेसी है, पैन कार्ड के बेसिस पर वो इनकम टैक्स चेक कर सकते हैं किसी की, भाई आपने पैन कार्ड नंबर दे दिया बात खत्म, ठीक है, बट अभी भी अगर कोई अपना नाम बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट इज यूएस एम्बेसी, अगर वो चाहें तो अभी भी आपका बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अगर उनको डाउट हो, उन्हें करना हो तो बिल्कुल कर सकते, और आपको क्या लगता है कि इस चीज में कितनी देर लगेगी? इफ दे वॉन्ट टू डू दैट, वाई द टाइम इज 8 AM, 10 AM एंड 12 AM, सो दैट इफ दे नीड टू क्रॉस चेक एनीथिंग, वर्किंग आवर्स के अंदर सारा कुछ क्रॉस चेक हो जाए, अगर
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो अपने कंप्यूटर पे, आप जब इंटरव्यू हो रहा होता है आप कम से कम 1 मीटर दूर खड़े होते हैं, काउंटर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर के अंदर क्या है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यूएसए के अंदर मैंने इंटरनेट यूज किया है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं कुछ साल पहले की, ठीक है, इतना फास्ट इंटरनेट चलता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर, ठीक है, सिर्फ होटल्स के या जो थोड़ी सी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने के कंप्यूटर्स और उन्होंने के कंप्यूटर्स की स्पीड को भी अभी तक तो मैंने इंडिया के अंदर कहीं पर मैच होते हुए नहीं देखा, ठीक है, अभी तक तो मैंने इंडिया के अंदर कहीं नहीं देखा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर कोई यूएस एम्बेसी का काउंसलर बैठा हुआ है वो अपने कंप्यूटर से कितनी इंफॉर्मेशन चाहे तो चेक कर सकता है। अगर कोई कह रहा है कि हाँ जी मैं आर्मी में काम करता हूं या करता था या मैं पुलिस में हूं, ठीक है, दिस इज समथिंग दे कैन चेक फ्रॉम देयर सिस्टम वेरी इजीली, कोई मुश्किल काम ही नहीं है उनके लिए। उनके पहले बायोमेट्रिक्स तो होती है ना? हाँ, पहले जो VFS में जब जाते हैं तब बायोमेट्रिक होता है, और जब हम पहुंच जाते हैं, क्या कहते हैं, जब बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। पहले अगर आज से हम 7-8 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो बायोमेट्रिक और इंटरव्यू एक ही दिन भी हो जाया करते थे, ठीक है, फिर एक दिन का गैप आने लग गया, अब कई बार इसके अंदर 6-6 दिन का गैप भी आता है, पर अपॉइंटमेंट दोनों का इकट्ठे ही लिया जाता है, ठीक है, हम एक का अपॉइंटमेंट लेंगे, दूसरे का वो हमारे को उसी वक्त प्रॉम्प्ट करेगा और हम उसका भी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ठीक है। और कोई सवाल है? बोलो बोलो ब्रंच। कल मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने वीडियो पोस्ट किया था कि देर आर 11 कंट्रीज नियर बाई USA वेयर वी कैन ट्रेवल विदाउट एनी वीजा, भी कोई ऐसा प्रोसीडिंग नहीं कि स्पेशल हमें उसकी टूरिस्ट वीजा फीस भरनी पड़ेगी, ऑन अराइवल है। क्या हम उन कंट्रियों में से किसी में भी 2 या 3 कंट्री ट्रेवल करके USA ट्रेवल कर सकते हैं? इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट? इसका जवाब ना आपको ये पुरु शेखर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो 11 कंट्रीज हैं, पहली बात तो ये कि इन 11 कंट्रीज के अंदर जाना मुश्किल है, USA का वीजा लेना आसान, ठीक है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं मैंने ही आपको बताई, ठीक है, ये कंट्रीज कि पहली बात तो टिकट लेना अपने आप में एक टास्क है, ठीक है, जो टिकट 2 लाख की है वो 12 लाख की मिल रही है, 8 लाख की मिल रही है, 5 लाख की मिल रही है, चलो कोई बात नहीं, वो भी आप ले लेते हो, क्योंकि आपको जो पैसे दे रहा है वो भी तो 40 लाख रुपए दे रहा है, 50 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इनको एयरपोर्ट को उतार देते हैं, इनको एयरपोर्ट पे चढ़ने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो यूएस एम्बेसी ने इंटरव्यू लेना था वो एयरपोर्ट पे जितने काम कर रहे हैं वो सब उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, अभी कहा जा रहा है ऑफिस आएगा, लगता तो नहीं ऑफिस आएगा जिसको लगता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, एयरलाइन वाले का दिल करेगा एयरलाइन वाला रोक लेगा, इमिग्रेशन वालों का दिल करेगा इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे, कस्टम वाले रोक लेंगे, सबने छोड़ दिया तो बोर्डिंग के टाइम किसी ने रोक लिया, और सबने छोड़ दिया तो पायलट बाहर घूम रहा था, जब फ्लाइट के अंदर हम बैठ रहे होते हैं ना तो पायलट वहीं बाहर घूम रहा होता है, ठीक है, उसको लगता है ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट करता है, वो बुला लेता है, बात कर रहा हूं, चलो किसी ने नहीं बुलाया वहां पर, कोई IB वाला कोई भी एयरपोर्ट वाला उसने देखा, उन्हें अरे ये तो मेरी पार्टी का नहीं है, इसके तो पैसे आए नहीं है वो कंप्लेंट कर देगा तो काम वहीं का वहीं रुक जाता, ठीक है। सर जैसे आपने अभी बताया कि स्पॉन्सर, मान लीजिए हम स्पॉन्सर भी करते हैं, जैसे ना इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका कोई नॉन या रिलेटिव USA में रहता है, बल्कि हमें क्या बताया जाता है कि इंटरव्यू में आपको ये चीज नहीं बतानी कि आपका कोई रिलेटिव रहता है। सर हाँ जी जहाँ मैं कनेक्टेड हूँ, नहीं वीडियो नहीं सर, मैं जहाँ कनेक्टेड हूँ, नहीं मैंने भी ये बोला वीडियो के अंदर, जो रिश्तेदार आपको नहीं जानता, आप उनको नहीं जानते, मासी मामा चाचा,
ठीक है, आपको यही नहीं मालूम कि वो वहां पर उनका खुद का स्टेटस क्या है, उन्हों की डिटेल नहीं देनी, ठीक है। आपको यही नहीं मालूम कि वो लोन पे रह रहे हैं, वो असैलम पे रह रहे हैं, या अभी वो थोड़े दिन पहले जेल होकर आए थे, ठीक है। 60% लोगों के लिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, 60% लोगों के लिए जेल जाना आना बड़ी कॉमन सी बात है, इंडिया वाला हाल नहीं है। इंडिया के अंदर तो अभी भी जेल जाना थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए बड़ी बात होती है, ठीक है। हाँ जी बोलो रवनीत, क्या सवाल है आपका? सर जैसे कि मेरी मासी है वो सिटीजन है यूएसए में, तो उनका अगर वो इनविटेशन दे तो मेरे हस्बैंड का वीजा लग सकता है? इनविटेशन भी दें और वो अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी दें, ठीक है, जो उनका स्टेटस है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट दें, और जो वो इनविटेशन दें वो परमानेंटली नहीं दें, वो सिर्फ किसी एक इवेंट के लिए दें, ठीक है, कि हाँ जी ये एक पर्टिकुलर ऐसा इवेंट है जो कि बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बुला रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि हाँ मैं इनका ध्यान रखूंगा 6 महीने यहां पर है, नहीं, 15 दिन 20 दिन, ठीक है, तो ऑब्वियसली लग सकता है, बिना उनके इनविटेशन के भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको इनविटेशन लेना है, बिना इनविटेशन के भी वीजा लग सकता है। सर जैसे मेरे क्लाइंट्स है बाहर यूएसए में, तो वो मुझे जैसे मतलब बुला रहे हैं या मुझे कैनेडा वगैरह के वीजा मिले तो मुझे वो बुला सकते हैं? किसी को भी बुला सकता, ठीक है, जो चाहे वो उसको बुला सकता है, मेरा दोस्त है मैं बुला रहा हूँ, हाँ जी हम क्या कहते हैं किसी भी ढंग से कनेक्टेड है बुला रहे हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, बुला, जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो, जरूरी नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह तो बुलाते ही है। यूएस वाले, यूएस इज द कंट्री वेयर पीपल फर्स्ट, दैट्स द फर्स्ट कंट्री वेयर पीपल स्टार्टेड गेटिंग मैरिड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, आज भी डिवोर्स रेट क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो ये लोग इंडिया से, यूक्रेन से, इन सब से लड़कियां लेकर आते हैं या लड़के लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसका अलग से वीजा, ठीक है, उनके साथ तो कोई भी रिलेशन नहीं है, फ्यूचर्स फियांस से, फ्यूचर फियांस से आप अप्लाई करते हो, वीजा मिलता है और आता है, उसके बाद वो शादी हो ना हो वो सब क्या होता है क्या नहीं होता वो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, कोई मेरा क्लाइंट है ना, उसकी बाहर फियांसी है, मतलब वो मतलब ऐसे नेट पे मिले थे दोनों, पर उसकी लड़की की एज उससे काफी ज्यादा मतलब बड़ी है वो, तो उन्होंने वो यहाँ पे इंडिया आई थी, उन्होंने एंगेजमेंट करी अपनी, मतलब छोटा सा फंक्शन करा, उसके बाद लड़के ने जब इंटरव्यू दी तो इंटरव्यू पे उसको होल्ड कर दिया 5 साल के लिए, 4-5 साल, पता नहीं वो कितना टाइम देंगे ये भी नहीं बोला, हाँ बस, और ये भी नहीं बताया कि उसको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं कहा उसको, लेकिन वो अभी भी उसने मतलब ये है, उसने किसी मतलब एडवोकेट से बात करी, वो कहते कहते इसका कोई पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए जब बैन लगाया जाता है ना तो वो लिखते हैं, देते हैं, बताते हैं कि आपका 1 साल का बैन है, आपका 2 साल का बैन है, ठीक है, या 10 साल का बैन, तो अगर 10 साल के लिए बैन किया है, 2 साल के लिए बैन किया है, तो ऑब्वियसली वीजा नहीं मिलेगा तब तक, उस पीरियड तक नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार वो लिख देते हैं एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कि बैन नहीं है, इसको अलाउड ही नहीं, ये आएगा ही नहीं अंदर, ठीक है, उसकी उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। जब वो पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो आप दोबारा अप्लाई करके देख लीजिए, नहीं तो उसी पासपोर्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, वीजा तब भी मिल सकता, पर ट्राई करना पड़ेगा, और अदरवाइज बिल्कुल श्योर चाहिए है तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। सर उसका एक मतलब रीजन, दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री किसी भी पासपोर्ट के ऊपर अगर एंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा रही है या बैन लगा रही है, तो हर कंट्री आपको ऑप्शन देती है उसको अपील करने, तो वकील अगर वो सच में ठीक सच के वकील के पास गए तो उस वकील को ये बोलना चाहिए था कि अपील करके देख लेते हैं पता लग जाए, समझे आप? क्लियर? हाँ जी जसमीत पूछिए, आपको सवाल पूछना चाहती थी।
सर इन अ केस हमारे पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और हमें वापस भी आना है यूएसए से, बट द रीजन इज कि हमारा अपॉइंटमेंट अच्छा, हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और उसकी वजह से उन्होंने हमें किसी इंटरव्यू की वजह से उन्होंने हमें आगे नहीं दिया. सो इसमें क्या बैन लगता है, और अगर इंटरव्यू होता तो वो दोबारा कब तक होता? अगर आपका रीजन बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, आपने वापस आना ही है, आपने इंटरव्यू दिया और उन्होंने आपको वीजा नहीं दिया, जैसे मेरे साथ भी हुआ, ठीक है, अगले दिन आप दोबारा अप्लाई कर दो. जहां हम इंस्टेंटली अप्लाई कर देते हैं, वहां पर हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई आपने गलत डिसीजन लिया है, आप कंसीडर करो उसको, ठीक है. जब इंसान आप जब आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, आप जब भी दोबारा आओगे, उन्हें पता है आपका वीजा कब उन्होंने रिफ्यूज किया, वो कह रहे हैं अभी तो 5 दिन पहले तो मैंने वीजा रिफ्यूज किया था, अब आप दोबारा आ गए, बिल्कुल आ गए क्योंकि आपने गलत रिफ्यूज किया. जब आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, आपने वापस आना है, आप उन्हें बोलो ना कि भाई मैंने वापस आना है, आप लड़ लो ना उनसे. अगर कोई टीचर आपको फेल कर दे, आपको कह रहे अच्छा बताओ भाई 7 × 5 कितना होता है, आप कह रहे हो 35, वो फेल कर दे आपको, तो आप उसे लड़ोगे ही तो सही. भाई तेरे को मैथ्स नहीं आता कि 5 × 200 क्या होता है, तो लड़ोगे तो सही, उसको बोलोगे तो सही, ठीक है, फिर उसको करेक्ट करना ही पड़ेगा. व्हेन यू आर करेक्ट, व्हेन यू नो, देन एट लीस्ट पुट योर पॉइंट. आप पॉइंट कैसे पुट करोगे, वो जब आपका वीजा रिफ्यूज करते हैं तो वो एक चिट्ठी देते हैं, वो कहते हैं इसके थ्रू हमने किया, आप अपील कर सकते हो. अपील करने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा से अप्लाई कर दो, ठीक है. हाँ जी बोलिए गुरु, क्या सवाल है आप? आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर. जो मैम ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था माधवी मैम ने, कि जैसे कि बैन लगा 5 ईयर का, तो उसका क्या रीजन होता है? डॉक्यूमेंट्स की मिसरिप्रेजेंटेशन भी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसने बोला कि नहीं मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, या किसी ने नकली पासपोर्ट लगाया, ठीक है, या किसी ने अपना पासपोर्ट डैमेज किया हुआ है पीछे वाला, ठीक है, जैसे बोला ना इन्होंने कि किसी का पास, किसी का एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है. जब एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो गई, जैसे अभी जसमीत ने बोला कि पहले हमने वीजा अप्लाई किया, उन्होंने देने से मना कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया. जब दोबारा अप्लाई किया, अब उन्होंने एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर, उन्होंने कहा पहले भी झूठ बोल रहे थे, अभी भी झूठ बोल रहे, और उसको मालूम ही नहीं, जो अप्लाई कर रहा है उसको मालूम ही नहीं. उसे क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उसने वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहा है, जो एडमिशन हो रखा है वो जिस भी एजेंट ने करवाया, वो इंस्टीट्यूट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता. यहां पर कनाडा वाला हाल नहीं है, कनाडा के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है. आप अप्लाई कर रहे हो, ऑफर लेटर भी 3-3, 4-4 आए हुए हैं, आप किसी के साथ भी अप्लाई कर देते हो और वीजा लगा नहीं, दोबारा आपने अप्लाई कर दिया, तो कह रहे हैं आप नकली एडमिशन के बेसिस के ऊपर तो अप्लाई कर रहे हो, हम आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. दूसरा जो एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है, जब कोई ओवरस्टे करता है तब एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है, वो यूएस से इमिग्रेशन वाले करेंगे, ठीक है. तो ये रीजन होते हैं. क्या सवाल था आपका सर? उनके सवाल का मैंने पूरा जवाब ही नहीं दिया है, क्योंकि वहां पर 2 बच्चे वेट कर रहे हैं. आपको पूरा सवाल क्या था प्रिंस? मतलब यही था, जैसे एक बैन था और विजिटर वीजा के केस में तो सर हम इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के केस में क्या है कि वेटिंग बहुत आ रही है अपॉइंटमेंट्स की, जो स्लॉट्स होते हैं. क्यों? बिल्कुल भी नहीं है, आपको 12-15 दिन की तो वेटिंग है स्टूडेंट की. कौन कह रहा है? जो रिसेंटली जो इंटेक गया ना सर, जो रिसेंटली जो इंटेक गया, मई इंटेक था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे, लेकिन उनको डेफर करना पड़ा है. चलो कोई बात नहीं, उनको डेफर करना पड़ा क्योंकि उनको वीजा मिला नहीं. चलो किसी भी ढंग से वेटिंग था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी एंट्री हुई ना रिस्ट्रिक्ट हुई. आपने डेफर किया है, दोबारा अप्लाई कीजिए. बट जबकि मैं आपको इतना बताता हूँ, अगर किसी का एडमिशन कन्फर्म हो रखा है, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है,
तो ये प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा आप कैसे उसके लिए क्वेरी रेज करोगे और अपॉइंटमेंट आ जाएगी। भाई आपका एडमिशन हो रखा है, बिल्कुल जेन्युइन है, वो बोल रहे हैं अपनी साइट के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है आप बताइए, हम आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि मुझे बड़ा अर्जेंटली मेरे को न्यूयॉर्क देखना है, बहुत अर्जेंटली नायग्रा फॉल्स देखना है टूरिज्म के लिए मेरे, तो कोई नहीं दे रहे। कोई कह रहा है मेरे को शादी पे जाना है, शादी इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी अ रीजन दैट दे वुड गिव यू एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो उन लोगों को ये अपॉइंटमेंट नहीं देना है। ठीक है, स्टूडेंट को तो दे ही रहे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, कि क्या प्रोसेस है और कितने दिन की वेटिंग है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए पूर्व, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नाउ आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी मच ऑडिबल। सर वी कैन कन्वर्ट वीजा टू वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट, स्टूडेंट वीजा? नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टीवीएस वीजा को आप स्टूडेंट के अंदर कन्वर्ट करोगे भी सही, ठीक है, वहां पर जाके एडमिशन ले भी लोगे तो भी वापस आना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्ट यहाँ पर इंडिया में आ गई होगा या ऑस्ट्रेलिया? नहीं नहीं, अगर हम वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा मतलब वहां पर अपनी सेटिंग बना के वापस आ जाते हैं फिर दोबारा चले जाते हैं, तो उसमें कोई इशू तो नहीं? सवाल पहले तो ये था कि क्या हम टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर वहां पर कोई एम्प्लॉयर हम ढूंढ लेते हैं और फिर हम वापस आके उस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हैं तो हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फिलहाल दो तो यहाँ से जाता है वहां पर जाके एम्प्लॉयर ढूंढता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर ओके कर देता है और फिर ये वापस आ जाता है, वो एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट भेजता है और फिर आप जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे 2024 तक ये बंद है वर्क परमिट, तो इसमें कोई रोल तो नहीं है इसका कि हम अप्लाई नहीं कर सकते हम दोबारा? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीटेक एमटेक और ये जितने भी इंजीनियर्स हैं इन लोगों के लिए वर्क परमिट मिलते हैं, अदरवाइज वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जो लोग हमें मिल जाते हैं, जो आप कह रहे हो ना कि कोई हमारे को नौकरी दे देगा, कौन दे देगा? जो अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, बिल्कुल, है ना, कोई अपना जनरल स्टोर चला रहा है वो दे देगा? इन लोगों के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है आपको वर्क परमिट देने, नहीं है, तो फिर हमें असाइलम लेने में भी फायदा है? नहीं, असाइलम लेने में भी फायदा नहीं। तो फिर क्या चीज करनी चाहिए? क्या चीज करनी चाहिए? देखो, करना तो ये चाहिए कि आप टूरिस्ट वीजा पे ही रह जाइए, ठीक है, और वापस आइए, फिर जाइए, फिर वापस आइए, फिर जाइए, फिर वापस आइए और 5 साल अपने कंप्लीट कीजिए। जब आपने इस तरह से 10 साल के अंदर 8 साल में पीआर मिल जाएगी, फिर इस तरह तो पीआर मिल जाएगी। हाँ जी, ठीक तरीका तो बिल्कुल ये है, बट एक्चुअली करते क्या है लोग करते ये हैं कि टूरिस्ट वीजा पे एंटर हो गए, हाँ जी, असैलम नहीं लेते हैं, वहां पर जाके नौकरी करते हैं, जो कोई भी नौकरी मिली, गाड़ी साफ करने की या गाड़ी चलाने की या बर्फ हटाने की या जो कुछ भी गई, आप कूड़ा उठाने की, ठीक है, यूएसए के अंदर कूड़ा उठाना और इंडिया के अंदर कूड़ा उठाने में बहुत फर्क है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वो पूरा का पूरा पैक भी होगा, जो कुछ भी छोड़को जो कोई भी बाहर छोड़ेगा वो पूरे ब्लैक के अंदर पैक करके छोड़ेगा, और जो गाड़ी उठाएगी उसके अंदर भी आप हाथ ही नहीं लगाओगे, तो एक अलग चीज है जो भी है। तो ये वाले काम बड़े आसानी से मिलते हैं जब ये लोग काम करते रहते हैं, धीरे धीरे इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और फिर वो वहां पर अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असैलम लेते ही नहीं। जब आपको रहते रहते, ठीक है, जब आपको रहते रहते अच्छे खासे साल हो चुके हैं, देन देर आर लॉज विच आर लिटिल डिफरेंट। तो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कनाडा भी हम जा सकते हैं, कोई वापस जरूरी एक बॉर्डर है यूएसए और कनाडा के बीच में, हाँ जी, ठीक है, जो ओपन बॉर्डर है, ठीक है, कि आप जाओ जाके कनाडा में असैलम ले लो फिर दोबारा यूएस आ जाओ। नहीं, आप कनाडा वहां से जाओगे तो असैलम के लिए ही जाओगे, और जो आप कह रहे हो ना कि आप जो वीजा रन की बात कर रहे हो,
नहीं, 6 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। उसको कहा जाता है वीजा अप्लाई। ओके, कि आपको 6 महीने के लिए वीजा मिला है, उसके बाद आपको 60 दिन 60 डेज अपनी होम कंट्री में आना है, वीजा रन नहीं कर सकते, कनाडा जाके नहीं आ सकते। ओके, ठीक है। हाँ जी बोलिए जसविंदर, क्या सवाल? सर मुझे पूछना था, जैसे 10 साल का वीजा देते हैं ना टूरिस्ट, जब ये 10 साल जैसे कोई आ जा रहा है, 10 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद उसने दोबारा लेना है, तो वही प्रोसेस है जहाँ कोई? सेम वही प्रोसेस है। ओके, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है और आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल खत्म होने के बाद मिलता है कि वो जिस खत्म होने से पहले ले लीजिए ना, खत्म होने का वेट ही क्यों करना है अगर आप ट्रैवल कर ही रहे। ठीक है, अगर मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है तो मैं उसका एक्सपायर होने का क्यों वेट करूं? कितना टाइम पहले कर सकते हैं? मैं उससे पहले ही, उससे साल भर पहले, 9 महीने पहले अप्लाई कर सकता। ठीक है, मैं अप्लाई करूंगा दोबारा ले लूंगा। ठीक है, और कोई सवाल है? बोलिए माधवी जी, कोई सवाल पूछेंगे आप? सर उसका ना, मैं आपको जो बता रही थी उसका, उसमें लिखा जो फ्रोन्सी थी उसकी, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, वो 35 ईयर्स ओल्ड थी और लड़का 20 ईयर्स ओल्ड था, 22, उनके गैप भी था एज का। और जब उन्होंने इंटरव्यू में पूछा ना कि भी मतलब जो आपकी फ्रोन्सी है वो मतलब कहाँ रहती है, उसने बोला कि अपने पेरेंट्स के पास, हालांकि वो अलग रह रही थी, तो उसने बोल दिया कि आप ऐसे कह देना कि मैं अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ या कुछ भी ऐसे करके, है ना। तो उन्होंने कहा अगर वो 35 ईयर्स ओल्ड है तो वो अपने घर में अपना सेपरेट नहीं रह रही, वो अपना काम नहीं कर रही, फिर आप उसके पास कैसे जाओगे? ये बड़ा उसको प्रॉब्लम आई थी इस बात की। सर ऐसा भी होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसके पास कैसे जा सकते हो? समझा नहीं है, फिर से बोलना पड़ेगा। सर जो उसकी फियोंसी थी ना वो इंडिया आई थी अमेरिका से, उससे एंगेजमेंट करके वापिस चली गई। लड़के ने जब इंटरव्यू दी तो उन्होंने पूछा कि जो आपकी फियोंसी है वो यूएसए में कहाँ रहती है, उसका अपना घर है, क्या जॉब करती? जॉब तो वो करती थी, पर वो कहती कि आपने कहा कि लड़की वापस आई थी, लड़का लड़की दोनों इंडियन थे या कोई एक अमेरिकन? जो लड़की थी वो अमेरिकन ही थी, अमेरिकन से थी। यस हाँ, और लड़का इंडियन था, लड़का इंडियन है बिल्कुल। लड़का अमेरिका गया लड़की से मिला? नहीं, लड़की इंडिया आई थी लड़के को मिलने के लिए, लड़की इंडिया आई थी लड़के को मिलने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एंगेजमेंट कर ली कुछ थोड़ी सा अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर बिठा के, ठीक है, उसके बाद वो वापस चली गई लड़की अमेरिका। तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भेज दिया उसको बुलाने के लिए लड़के को। जब लड़के की इंटरव्यू आई तो उसने, उन्होंने अम्बेसी वालों से, अम्बेसी वालों ने पूछा कि मतलब जो लड़की है वो यूएसए में कहाँ रहती है, तो जब उसने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के पास ही रहती है उनके घर में, ठीक है, और उनका एज गैप था शायद 12-13 साल जो भी था, है ना। और सेकेंडली उन्होंने कहा भी वो 35 साल के, वो अपने अलग नहीं रहती, उसके पास घर भी नहीं अपना, वो आपको कैसे बुला रही है फिर? यानी वो खुद ही डिपेंडेंट है तो वो फिर आपको कैसे संभालेगी? क्या ये भी रीजन था सर? एक बिल्कुल बिल्कुल, एक ना क्या कहते हैं इसे, कहते हैं वेडिंग टूरिज्म, ठीक है। तो 100 लोगों का ग्रुप, आप 100 लोग हो सकते हैं, बड़े सारे हैं ऐसे, 50 साल जिनकी उम्र है, जिनों को क्या कहते हैं डिवोर्स हो चुका है या जो भी है, पैसे हैं इनों के पास, ऐसे बड़े सारे हैं। तो ऐसा ग्रुप बनाया जाता है और इन्हों को लेकर जाया जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, या यूक्रेन, वहां पर सुंदर सुंदर 20 साल की 25 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं, पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरा अरेंजमेंट किया जाता है कि आपको हम 10 लड़कियों से मिलवाएंगे, फिर तो उसमें से चूज करना, डेट कर लेना, ठीक है, इसको वेडिंग टूरिज्म कहते हैं। जो आप लोग वेडिंग टूरिज्म समझते दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये वही था जो आप कह रहे हो ना। Okay. जो रियलिटी में था कुछ था ही नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट समवन इज टेकिंग हेल्प ऑफ समवन हु इज नो वन टू गिव अ रेफरेंस, दैट गर्ल इज लिटरली नो वन। कोई भी किसी को भी इनवाइट कर रहा है
उसका फाइनेंशियल स्टेटस और उसका सोशल स्टेटस इस लायक तो होना चाहिए कि वो उसका ध्यान रखे। वो खुद तो चैरिटी पे है, 35 साल का इंसान इज स्टेइंग विद द पेरेंट्स एंड गेटिंग अनदर पर्सन टू लिव इन द सेम हाउस एंड दैट्स आल्सो अ स्मॉल हाउस वेयर वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाई वुड दे गिव वीजा? ऑन व्हाट बेसिस दे वुड गिव वीजा? कभी भी नहीं देंगे वो। तो आपको उन्हें बोलना चाहिए था कि 15 साल का गैप, आप खुद अपने मुंह से 10-12 बोल रहे हैं, रियलिटी में 18 साल का गैप होगा। हो सकता है सर। हाँ ये तो क्या उन्होंने क्लियर नहीं, पर जो मुझे बताया तो उसके बिहाफ पे मैंने आपसे पूछा। ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे आर जस्ट हैविंग यू नो एन एसोसिएशन वेयर दे आर पेइंग मनी टू समवन एंड एक्टिंग लाइक पार्टनर्स। और एंगेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज एंगेजमेंट? US Embassy इंटरव्यू के लिए लड़कियां पहुंचती हैं इतनी मोटी मोटी अपनी शादी की एल्बम लेकर, ठीक है, और वो वीजा नहीं देते हैं। पति कहाँ है? वहीं USA में, ठीक है, आया था देखो शादी करके गए। कईयों ने तो फोटो पे शादी की हुई है, कईयों ने तो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस में शादी की हुई है, ठीक है, चलो जो भी है। कोई शहीद हो, कोई किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, उसकी फोटो से शादी हो, बात समझ में आती, ठीक है, क्योंकि आपने दिल से उसे एक्सेप्ट किया, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, ग्रंथ सिंह दिन होगा, चलो ठीक है, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अदरवाइज एम्बेसी नोज दैट इट इज जस्ट अ वे ऑफ फूलिंग देम। जब तक अगर किसी का वेडिंग के बेसिस पर या किसी इस तरह के रिलेशन के बेसिस पर आप वीजा लगवा रहे हो तो उनका प्रॉपर मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम अगर किसी USPR होल्डर का या सिटीजन का वीजा की शादी करवाते हैं, वो इंडिया में आके शादी करता है, कितने सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंडिया आके शादी करते हैं, पंजाब आके, दिल्ली आके, बैंगलोर आके शादी करते हैं, तो शादी के बिल्कुल 10 दिन के बाद वो जाना चाहते होते हैं, ठीक है, वापस यूएस से जाना चाहते होते हैं। उनको शादी से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले बुलाया जाता है कोर्ट मैरिज के लिए। कोर्ट मैरिज करते हैं, शादी उनके रजिस्टर करवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट लगता है। यूएस आपकी फोटोग्राफ्स को भी नहीं मान रही है, तो ये सोचे ना कि हाँ वेडिंग की, भाई किसी की भी वेडिंग हो रही है, एक लड़का लड़की सुंदर से तैयार होकर चले जाते हैं, किसी की भी, कोई पड़ोसी हो सकता है, ठीक है, वहां पर सुंदर से तैयार होकर चले जाते हैं, पड़ोसी नहीं भी हो किसी की वेडिंग में चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, लोगों की भी और खुद की भी, लोगों की होगी शादी, That does not make any sense. So photographs makes no sense. Legal document चाहिए शादी का या फिर passport के ऊपर endorse होना चाहिए, और engagement तो अपने आप में does not make any sense. अगर ये शादी हो रखी होगी तो ये मना नहीं कर सकते, irrespective of their social status. कोई गरीब इंसान भी जो charity पे रह रहा है, अगर वो शादी की हुई है, उसने किसी भी country के इंसान से जाकर शादी की है, then that country cannot refuse visa of their partner. उनको वीजा देना ही पड़ेगा। सर हमारी जैसे नेबर है, उनकी बेटी अभी यूएसए में गई है अपने हस्बैंड के साथ, एक हफ्ता ही हुआ था शादी को, वो चली भी गई उसके साथ, तो उन्होंने फिर शादी से पहले मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज करके रजिस्टर करवाई थी। बिल्कुल हो सकता है वो किया, और नहीं तो हो सकता है अभी भी वो विजिटर वीजा पे गई। नहीं वो H1 वीजा पे है उसके हस्बैंड, तो है ना, तो H2 उनको मिला हुआ उनकी वाइफ, ठीक है, एक हफ्ते में चली गई, सुनी होगी, ठीक है, एक हफ्ते में चली गई, पर एक हफ्ते से पहले क्या हुआ ये हमारे को भी नहीं मालूम, वो आपको भी नहीं मालूम, है ना। सेकेंडली जब क्या कहते हैं वो गई हैं, ये भी तो पॉसिबल है कि वो अपना B1 B2 ही लेकर गई, साथ ही तो जा रही है, एक हफ्ते में जा रही हैं, 10 दिन में जा रही हैं, जैसे भी जा रही हैं, लिया यहां से B1 B2 चले गए, अब वहां पर जाके उनके पास 6 महीने हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के, वहां पर जाके चर्च में शादी करेंगे, USA में जाकर अपनी शादी को रजिस्टर करेंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, और उनको वापस नहीं आना पड़ेगा, देन दे कैन कन्वर्ट देयर B1 B2 टू H2, ठीक है, क्लियर। जैसे फिलहाल अपॉइंटमेंट
के लिए 574 दिन चल रहे हैं, तो आपने बताया कि 10-20 हजार रुपए खर्च करके हमें जल्दी का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो कितना जल्दी का मिल जाएगा? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन मिल जाए, 10-20 हजार खर्च करके मिल जाए। अच्छा, और एक मेरा पर्सनल सवाल ये है कि मेरे मामा के बच्चे दोनों पढ़ाई भी उन्होंने यूएसए करी है, मैनचेस्टर बॉस्टन, और वो वहीं पर ऑफर अब वर्क परमिट पर है, तो वो मुझे अगर इनविटेशन लेटर भेजते हैं तो अपॉइंटमेंट कुछ मैटर करता है या सेम लाइन में ही लगना पड़ेगा? अच्छा सेम लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हाँ जी, आपने कहा आपके मामा जी, है ना, यू सेड इट इज योर मामा जी, राइट, गॉड फॉरवर्ड्स, सो वी आर नॉट अलाउड टू पुट एनीवन इन द क्लास हु इज नॉट सिटिंग प्रॉपरली एंड हु इज नॉट एट अ प्लेस, ठीक है। आई ऑलरेडी क्लियर द रूल्स, ओके, गॉड फॉरवर्ड्स, ठीक है, इस चीज का बहुत लोग फायदा उठाए, ठीक है, मामा जी हैं, हाँ जी, मामा जी हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई हो सकता है अपना क्या कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई वॉल्व चेंज हो रहा है जो कि बड़ा नॉर्मल हो चुका है आजकल, ठीक है, पहले से प्लान है, 10 साल पहले वॉल्व लगा था, अब वॉल्व चेंज होना ही होना है, सब कुछ ठीक रहने वाला है, मामा जी तो 200 साल जिएंगे। नहीं नहीं मामा जी तो एक, तो मेरी बात, मेरी बात तो सुन लो, जरूरी नहीं है रिस्पेक्टिव ऑफ मामा जी और फ्रेंड और अ रिलेटिव, ठीक है, वट एवर नेम यू कैन गिव टू दैट पर्टिकुलर रिलेशन, किसी का भी हैप्पीली सेफली एनी ट्रीटमेंट हैपनिंग पीपल यूजेज इट शोज इट एज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड दे गेट्स द अपॉइंटमेंट ऑल्सो एंड दे गेट्स द वीजा ऑल्सो, ओके, ठीक है। रियालिटी में डॉक्यूमेंट चाहिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी होगी या नहीं, ठीक है, कोई ना कोई इलाज हो रहा होगा, ठीक है, किसी का भी, जैसे यहां पर जो लोग पहले से यूएसए के अंदर हैं उन्हें मालूम है, ठीक है, एक बच्चा यूएसए के अंदर है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का फादर यहां पर इंडिया में रहते हैं पर वहां पर जाकर ही इलाज करवाना है, मालूम है होना ही है, ठीक है, तो जब इलाज होना है दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी एंड देन दे टेल्स कि हाँ इलाज होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में होंगे, जब होंगे उस दिन हम डॉक्टर से ले लेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज करके आ जाना, उसके बाद मत जाना वापस, उसके बहुत सारे तरीके हैं, देन देयर आर मेनी वेज ऑफ नॉट गोइंग बैक, इसमें से एक तरीका मैंने कल की क्लास में बताया, ठीक है, और आज भी बता दीजिए, कल की क्लास में हम लोग थे नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, जिसकी जो क्लास है उसको वही चीज सिखाएंगे, ठीक है, आपको भी बताएंगे, लेट एवरीथिंग हैपन इन द राइट मैनर, इस तरह से कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, ओके, मेरा काम ही है आपको सिखाना और मैं सिखाऊंगा, बट लेट द थिंग्स हैपन इन द राइट ऑर्डर, ओके सर। और कोई सवाल? सर पुरु का ये सवाल था कि मामा जी के दोनों बच्चे स्टूडेंट बेस पे हैं, अभी वो वर्क परमिट पे हैं, तो वो वर्क परमिट पे हैं, वो इनको बुला सकते हैं? इनविटेशन की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ये जवाब आपको समझ में आया हो, इसीलिए मुझे इतनी कहानी सुनाई, ठीक है, कोई भी बिना किसी कंसीडरेबल रीजन के किसी को भी इन्विटेशन दे रहा है विस्टर वीजा के केस में, ना ही अपॉइंटमेंट प्रीपॉन होगा और ना ही वीजा मिलने में कोई रिलैक्सेशन, ठीक है, यहां तक कि बच्चा होने की खुशी पर भी नहीं होगा, ठीक है, मामा जी के बच्चे हैं, अगर किसी की बहन हो रियल उसका बच्चा हुआ है तो एक अलग बात है, क्योंकि बच्चा हुआ है देन देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ समवन टू टेक केयर, अ रियल ब्रदर कैन डू दैट बट अ कजन कैन नॉट डू दैट, कजन कैसे करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, एंड कैथोलिक्स एंड क्रिश्चियंस आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो दे आर ऑल्सो एज कंजर्वेटिव एज इंडियंस एज हिंदूज एंड एनी अदर पीपल आर, उनके अंदर भी वही उसी तरह से है इन सब चीजों को, ठीक है, दैट इफ यू वुड रीड इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड आई होप यू लर्न मेनी थिंग्स, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनना कि हम जी यूएसए का वीजा मिल जाता है और रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट करना, बड़ी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एवरी एप्लीकेशन इज अ न्यू लर्निंग,
एवरी एप्लीकेशन इज अ न्यू लर्निंग. इसीलिए आपको अपने क्लाइंट को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना पड़ता है, हर एक चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा. द बेस्ट इज दैट कीप आस्किंग क्वेश्चंस. व्हाटएवर योर सिचुएशंस आर, व्हाटएवर यू थिंक वुड बी योर मार्केट, ये मेरी मार्केट होगी, इस तरह के लोग मेरे पास आएंगे, उस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा. बिफोर आई कंक्लूड द क्लास आई लाइक टू टेल यू, ये क्लास एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे 7 बजे है. मीटिंग आईडी एंड पासपोर्ट सेम रहेगा. इसके अलावा अगर आप कोई और क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कई हैं आप में से, तो वो क्लासेस वैसी की वैसी चलती रहेंगी, वो क्लासेस कोई बंद नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुई, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर क्लास इज एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे एट 7 PM. जब आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली अगर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा साफ साफ कि आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपने नेक्स्ट क्लास में नहीं आना. अगर मैंने नहीं बताया है तो ऑब्वियसली अब आपको ये क्लास थर्सडे को लेनी, ठीक है. ओके बाय, थैंक यू सर.